जहाँ गुम है किसी के प्यार में शो की कहानी से लोग बोर हो रहे हैं, तो वहीं अब एक नई खबर सामने आ रही है कि शो में एक नई एंट्री होने जा रही है। और जैसी खबरें सामने आ रही हैं, अगर वैसा हो गया तो अलग हो चुके शवि और ईशान की ज़िंदगी में एक और मुसीबत आ जाएगी। बताया जा रहा है कि सौभाग्यवती भाव में सन की पति का रोल कर चुके पूरे देश के लिए रेड फ्लैग बने करण वीर बोहरा बनेंगे शवि के सरफरे आशिक का रोल प्ले करेंगे। हालांकि अभी किसी भी तरह से कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल तो शो में ये दिखाया जा रहा है कि जहां एक तरफ शवि और ईशान का तलाक होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर ईशान ने रीवा को शादी के लिए हाँ बोल दिया है। वहीं हरिणी को होश आ जाएगा तो अस्पताल से शवि और ईशान को बुलाया जाएगा तो वो वहाँ मिल जाएंगे। हरिणी की हालत ठीक देखकर ईशान शवि को सलाह देगा कि फिलहाल उसे कोई सच ना बताए। ये सब देखकर फिलहाल दर्शकों को शो में शवि और ईशान साथ में चाहिए, तो वही मेकर चाहते हैं कि कोई नया ट्विस्ट लाया जाए। स्टोरी की बात करें तो ईशान से जहां शवि पहले चिड़ी हुई थी, तो जब ईशान उसे झूठ बोलने को कहेगा तो वो उसकी बात नहीं मानेगी और हिरणी को सब सच बता देगी, जिससे हिरणी फिर से कोमा में चली जाएगी। शवि और ईशान फिर से एक बार उलझन में फंस जाएंगे और तलाक टाल देंगे। अगर हम सूत्रों की माने तो शवि की ज़िंदगी में एक पागल आशिक आने वाला है। इस आशिक का रोल करेंगे करणवीर बोहरा। शवि चाय की दुकान लगाती है, तो फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि दोनों चाय की दुकान पर मिलेंगे। अब देखने की बात तो ये होगी कि क्या ईशान शवि को इस पागल आशिक से बचाकर उसे प्यार करने लगेगा, और क्या ईशान शवि के दिल की नफरत गायब कर अपने लिए फिर से प्यार जगा पाएगा या नहीं।